तरबूज ले लो, सस्ते ले लो। अरे ये तू क्या कर रहा है? मैंने ये नया बिजनेस चालू करा है तरबूज बेचने का। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या ये तरबूज बेचने से तू अमीर हो जाएगा? सही कहा गरीब इंसान। अब बस ग्राहक के आने का इंतजार है। यानी कि तेरा अभी तक एक भी तरबूज नहीं बिका? सही कहा गरीब इंसान। और हाँ, काम चाहिए ना तो बता दियो, मेरे पास छोटू की जगह खाली है। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? पूरा एक तरबूज पर डे। तू भी सोच रहा होगा कितना दयालु है मेरा दोस्त। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा मत सोच, ये समझ ले बस मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरा एहसान। ठीक है, एहसान फरामोश। चलो अब यहाँ से खिसक। क्यों खिसकूं? तेरा राज चल रहा है यहाँ। मुझे ये बता, पहले तो तेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं रहती थी, और आज इतने सारे तरबूज कहाँ से लेके आ गया? ये मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। तू बोल तो ऐसे रहा जैसे तू ही इन्हें उगा के बेच रहा है। सही कहा। याद है एक दिन मैं तेरे घर आया था? नहीं नहीं याद। कब आया? अरे जब तूने मुझे अंदर नहीं आने दिया था, बाहर से ही भगा दिया था। हाँ 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 याद आ गया, याद। हाँ बस उसी दिन की बात है। फिर मैं वापिस आ रहा था ना, तो रास्ते में मुझे ये किताब पड़ी हुई मिली। अच्छा तो ऐसा क्या है इसमें? इसमें लिखे हैं तरबूज उगाने के 101 तरीके हैं। हाँ मैंने इसमें से एक ही तरीका पढ़ा और उसी तरीके से तरबूज ही तरबूज उग गए। अच्छा भाई साहब कैसे दिए तरबूज? देख लो भाई साहब कौन सा चाहिए, सस्ता लगा दूंगा, यही बचा है बस मेरे पास। समझ लो बिक गए सारे तरबूज। तू तो कह रहा था अभी तक एक भी नहीं बिका। अभी ग्राहक के सामने बोलना जरूरी है। ले लो भाई साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। भाई साहब ऐसा करो, जो आपके पास सबसे बड़ा है ना वो दे दो। सबसे बड़ा? हाँ ये लीजिए भाई साहब, ये है सबसे बड़ा। कितने पैसे हो गए? भाई साहब आप मेरी दुकान पे पहली बार आए हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो 50% डिस्काउंट करके आपके हो गए 500 रुपये। अरे क्या बात है, ये लो। और हाँ भाई साहब, आगे से आपके पास जो भी बड़ा तरबूज आए ना उसे मेरे लिए रख ले करना, मैं ले लूँगा। ठीक है भाई साहब। अरे पहली कमाई मेरी 500 रुपये हो गई, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चल अब तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं ये पैसे बैंक में जमा करा के आ रहा हूँ, कभी तेरे जैसा मंदा कोई चुरा ले। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई साहब, आपने फ़ोन करके यहाँ के बुलाया मुझे। इसलिए भाई साहब क्योंकि आपने कहा था ना मेरे को बिल्कुल ताज़ा तरबूज चाहिए इस बार का, तो ये रहा आपका सबसे बड़ा और ताज़ा तरबूज। अभी अभी तोड़ा ये मैंने। अच्छा तो इसके कितने पैसे हुए? ये वाला भाई साहब पहले से बड़ा है तो इसके 1000 रुपये लगेंगे। अच्छा तो फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा भाई साहब, मुझे बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा। रुको भाई साहब, 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 रुको भाई साहब। मैंने सुना है आप बड़े तरबूज के दीवाने हो। हाँ सही सुना है। तो इसका मतलब ये पेमेंट आपको मेरे बैंक में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास है सबसे बड़ा तरबूज। आओ मेरे साथ। ये रहा भाई साहब सबसे बड़ा तरबूज, इसे मैंने उगाया है। अरे तो बहुत बड़ा है। हाँ
तो इसके कितने रुपए लगाओगे? सिर्फ 15,000। अरे पागल है, इतना महंगा बेच रहा है। कर दी पेमेंट। थैंक यू भाई साहब, इसे मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। तूने ये अच्छा नहीं करा, तूने ऐसा करके एक अमीर आदमी के पेट पे लात मारी है। अब देख तू मैं क्या करता हूं। आइए भाई साहब, आपका ये इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा? हाँ भाई साहब, ये तो पिछली बार वाले से भी बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो ज्यादा है ये। अच्छा, और रेट? रेट डबल। भाई साहब इस बार भी ऑनलाइन ही कर देना पेमेंट। ठीक है। रुको 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 रुको, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंदा आपको ठग रहा है। अच्छा? मैं इतने ही पैसों में आपको इससे कई गुना बड़ा तरबूज दूंगा। तो कहाँ है फिर, बताओ। मेरे पीछे ट्रक में देखो। अरे ये तो बहुत बड़ा है, अभी कर रहा हूँ पेमेंट। हाँ कर दो। इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, मुझे पता था ये कुछ ऐसी ही हरकत करेगा। तो पेस है, पेस है, पेस है दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे तरबू तरबू तरबू। अरे ये तो गजब कर दिया तुमने। हाँ। अरे तूने तो सच में ही गजब कर दिया, मैं भी नहीं उगा पाऊंगा इतना बड़ा। तो ये कितने का पड़ेगा? जितने पैसे आपके बैंक में है उतने का। मेरे बैंक में तो बस 105 करोड़ ही हैं। ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा अभी कर लेता हूँ पेमेंट। इसका टेस्ट तो मुझे भी करना है, लेकिन ये बता तू इसे काटेगा कैसे? अरे उसकी टेंशन मत ले, इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। चाहे ये बता, तूने इतना बड़ा तरबूज उगाया कैसे? लगता है तूने अपनी ही किताब का लास्ट वाला तरीका नहीं पढ़ा। हाँ मैंने तो एक दो ही तरीके पढ़े थे, तो बता फिर किससे उगाया? इससे। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों अभी भी बहुत सारा तरबूज बचा है, कहो तो तुम्हारे घर भिजवाऊं।